नमस्कार भैया, राम राम, कैसे हैं? सियासत की बवाली कहानियां लेकर हम फिर हाजिर भैया। मौसम चुनावी है, इसलिए सारा पार्टी के नेता लोग अपना अपना गुड़ागृत में लगा है। कोनो रैली निकाल रहा है तो कोनो पैदल मार्च, तो कोनो भारत जोड़ रहा है, लेकिन सारा आपाधापी के बीच मायावती भी चुप ना बैठी है, बल्कि अकेले ही सबकी लंका लगाने का रणनीति बना रही है। ये कड़ी में मायावती मध्य प्रदेश से ऐसा अभियान चलाने जा रही है जो 2024 के चुनाव का लड़ाई का पूरा पिक्चर बदल कर रख देगा। काहे वो अभियान और कैसे मायावती एक राजनीतिक बड़का दाव खेलने जा रहे हैं बताएंगे, बाकी उसे पहले भैया दो काम कर दीजिए। पहला है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरा भैया के जो घटिया दिख रहा है ना, उसको टंटना के आगे बढ़ जाइए। तो बात यह है कि चुनाव और चुनाव हार झेल रही बहन जी अब ठोक बजा के चुनावी मैदान में उतरे खातिर तैयार है। पहले तो खुद पूरा पार्टी को ओवरहॉलिंग की, नया नया पदाधिकारी नियुक्त कर रही हैं, जितना लोग को जिम्मेदारी दे रहे हैं समय समय पर उनका हिसाब किताब का पूरा रिपोर्ट भी ले रही हैं, ताकि खाली पार्टी के नेता लोग कागजे में पार्टी को मजबूत ना दिखावें, यानी पूरा पार्टी की हर हरकत पर बहन जी का सीधा नजर है। अब एक कड़ी में 9 अगस्त को बहन जी मध्य प्रदेश में दमखम दिखाने वाली है। एक लिए पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के नेतृत्व में मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च मध्य प्रदेश में दलित भाई लोग पर अत्याचार और कई को दूसरा मुद्दा लेकर निकाला जाएगा। दरअसल मार्च तो बस एगो बहाना है, असली मकसद पार्टी का कैडर में जोश भरना है, ताकि पार्टी के कार्यकर्ता सब लोकसभा चुनाव खातिर एकदम चौकस मूड में आ जाए। अब भाई सीधा सा बात है, अगर पार्टी के बड़का नेता लोग कार्यकर्ता सबसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो कार्यकर्ता सबका जोश तो हाई होक पे करेगा, है ना? यह काम बीएसपी पार्टी कई साल से नहीं कर रही थी, जो ना का नतीजा है कि आज पार्टी अपना स्थापना के बाद के सबसे बुरा दौर में चल रहा है। एमपी से शुरू हुआ यह सिलसिला यूपी में भी चलेगा। कहे कि यूपी में भी बहन जी कार्यकर्ता सबसे सीधा मिलना शुरू कर चुकी है, जैसे मान्यवर काशीराम जी किया करते थे। एकरा लिए जगह जगह काडर कैंप लगाने की तैयारी है, साथ ही जोनल प्रभारी लोग से बहन जी खुदे सीधे मिलकर जमीन का फीडबैक ले रही हैं। इतने भरना मायावती की कोशिश में भी पुरजोर तरीका से लगी है कि जौन नेता लोग उनका पार्टी छोड़ गए हैं उन्हें कोनो तरह मना कर घर वापसी कराया जाए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा। वो हमारे सूत्रों बता रहे थे कि पार्टी के नेता सब लोग कुशवाहा के संपर्क में है, और सब कुछ ठीक रहा तो समझिए मायावती का ही सबसे बड़ा कामयाबी होगा। हमारे सुखू चचा मिल गए थे, बोल रहे थे कि बहन जी का बुद्धि तब खुला है जब पार्टी सबसे बुरा दौर में है। हम सोच रहे थे कि जमीन पर उतर कर अगर पहले में मायावती इतना मेहनत की होती जैसे अब कर रही हैं, तो शायद पार्टी इतना बुरा दौर में ना पहुंचती, है ना? तो आज की कहानी में इतना ही, आगे फिर कोनो बवाली कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए भैया राम राम।